चलिए दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं बारात में। बारात का टाइम हो गया आने का। सुबह से हमने शॉप खोली थी, अब जा रहे हैं और दिखाते हैं कि कैसी तैयारियां हैं और किस तरीके से है। चले जी, पहुंच चुके हैं। नमस्ते बेटा, नमस्ते नमस्ते। बाकी लोगों से भी कहना चाहूँगा कि जहाँ कहीं भी ऐसे गरीब लोग अगर आपके पास आते हैं मदद के लिए आते हैं, तो आप लोग भी जो है उनकी मदद कीजिए, करें। जिस गरीब परिवार में कोई बीमार होता है, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियाँ लग जाती हैं, तो मैं समाज के लोगों से भी कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से हमारा ग्रुप उन्मुक्तिकरण काम कर रहा है, उसी तरीके से और लोग भी आते हैं। देखा आपने एक पिता की भूमिका किस तरह से निभाई है संजय नेगी जी ने। उनकी पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है, बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं और सबकी आंखें नम है आज दोस्तों। ये वीडियो बनाते बनाते मैं भी बड़ा इमोशनल हो चुका हूँ। अमूमन मैं अटकता नहीं हूँ, लेकिन इस तरह के वीडियो बहन की आंखों में आंसू है और ये आंसू कहीं ना कहीं खुशी के हैं। और जो उम्मीद की किरण आपने नाम रखा है, सच में आज किरण जगह जगह बहक रही है और महक रही है दोस्तों। और यही शायद हम ये भी कह सकते हैं भगवान का भी आशीर्वाद है। कई दिन से बारिश हो रही थी, अब तक तो बारिश यहाँ से दूर है और हम यही प्रार्थना करते हैं कि आज का दिन आपकी जिंदगी में हमारा यादगार है। जय हिंद, जय भारत। जय श्री राम। एक बार और देखो, ठीक है सर। अम्मा ये मरचुला से आ रखे हैं 1500 रुपये, ये उन्होंने दिया है बिटिया के लिए। चले दोस्तों, अभी तक तो हम दुल्हन के साथ थे और अब हम दूल्हे के साइड से भी हैं। और आपको बता दें कि जो आज का दूल्हा है वो भी हमारे गांव के ही हैं, और तो हमें दोनों साइड से इनवाइट है। तो अब हम आ गए हैं, पहले हम दुल्हन वाले थे, अब हम दूल्हे वाले हो गए हैं। तो हम दुल्हन की तरफ से आ गए। अब इनके साथ साथ जाएंगे ना आज मस्त करके। अच्छा लग रहा है, प्राउड हो रहा है कि जिस कार्य में हम आज हैं और वो अच्छे से निभा रहे हैं और आगे भी इस तरीके से करते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हमारे यहाँ के पूर्व ब्लॉक प्रमुख कांग्रेस के मिस्टर संजय नेगी जी, तो उन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छे से कार्यभार संभाला है। उनकी तरफ से जो भी टेंट अरेंजमेंट है उनकी तरफ से है, खाने का अरेंजमेंट उनकी तरफ से है, और उनकी पार्टी में जितने भी बाकी सदस्य थे उन सभी लोगों ने थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करके बच्ची के लिए बेड और अलमारी और बक्से गद्दे वगैरह सब कुछ
जो घर का थोड़ा बहुत जरूरी सामान होता है वो सब कुछ दिया है बिटिया को, और हमारे यूट्यूब चैनल की तरफ से भी जितना हुआ है वो उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं हम अपने सभी यूट्यूब फैमिली का। और बड़ा अच्छा लग रहा है हमने, तो अभी आफ्टरनून तक शॉप खोली थी लेकिन अब समेट रखी है, तो ये काम भी बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यार मौसम साफ हो गया, कल रात भी बारिश थी, कल दिन में भी दो तीन बार बारिश हुई है, सुबह से बारिश थी और अभी देखिए आप मौसम कितना अच्छा हो गया है। और दुल्हन का घर पास में ही है यहीं गिरजा मंदिर में, तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि दुल्हन अपने दादी और भाई को भी देखते रहेंगे। जिन लोगों ने सैंडल पहने वो जा रहे पानी के रास्ते, जिन्होंने जूते पहने वो जा रहे ऊपर पत्थरों के रास्ते।
सर आप लोगों का खाना एकदम अल्टीमेट, मज़ा आ गया, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। और संजय नेगी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे, कितना बढ़िया अरेंजमेंट करके दिया। दोस्तों 3:30 बज चुके हैं और खाना हमने खा लिया है, तो अब हम जा रहे हैं वरुण को कॉर्बेट म्यूज़ियम दिखाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, ये पसीना पसीना हो गया है, तो अब चलते हैं कॉर्बेट म्यूज़ियम। वरुण व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, इज दिस क्यूट, इज दिस क्यूट स्क्विरल, पेंगुलिन, 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 कम हियर। Yes. You like fish? Yes. Daddy? You want family tiger? I like the tiger baby. Baby tiger cub. Tiger baby? Cub. Cub. Yes. Cub. What is this? It's a crocodile. Yes. It's too very scary. Mm. You touch? No. You touch? Come. You touch? Ghariyal. Alligator. Alligator. Good. What is this? Wanna? What is this? What is this? Monster pig. देखो आउल, कम आउल कैसे करता आउल? Let's go other way. What is this? Lizard. You touch? I don't like it. सपने में भी ऐसे करेगा। ये हो गई है बारिश, जैसे मैं आपको अक्सर दिखाता हूँ वैसे ही ये आर्टिफिशियल बनाया गया है, ये बिजली चमक रही है। इसको उठा के दिखाओ, इसको उठा के दिखाओ, चलो चलो इसे टच करो, सो क्यूट, कम बेबी एलिगेटर, नो सो क्यूट, टच, सो स्केयर्ड यू आर लूजर। एक डॉक्यूमेंट्री आपको दिखाएंगे अभी, चलो मैं अभी करता हूँ आपसे कॉल, हाँ 2 मिनट तो मिले। आज बड़ी संख्या में लोग प्रतिवर्ष इस नेशनल पार्क में घूमने आते हैं और इस राष्ट्रीय उद्यान का आनंद लेते हैं। क्या आप जानते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पूरी दुनिया के बीच इतना प्रसिद्ध क्यों है? आखिर इस नेशनल पार्क में ऐसा क्या है जिसके आकर्षण
देशों से पूरी दुनिया के लोग यहाँ आते हैं। आखिर क्या है इस राष्ट्रीय उद्यान के पीछे का इतिहास और रहस्य? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि भारत का सबसे पुराना और एशिया का सबसे पहला नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नामकरण से पहले सन 1936 में बंगाल के लुप्त होते बाघों की प्रजाति के संरक्षण के लिए पहली नेशनल पार्क के रूप में इस राष्ट्रीय उद्यान को स्थापित किया गया था। भारत की स्वतंत्रता के बाद 1952 में इसका नाम हैली नेशनल पार्क से बदलकर राम गंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। 60 के दशक में आम जनमानस में वन्य जीव प्रेमी के रूप में मशहूर हुए एडवर्ड जिम कॉर्बेट के नाम पर इस पार्क का नाम रखा गया। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वन्य जीव प्रेमी के लिए एक स्वर्ग है, जो प्रकृति माँ की शांत रूप में आराम करना चाहते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हिमालय की शिमालिक पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित है। बाघों की बड़ी संख्या देखे जाने पार्क का संपूर्ण विश्व में दूसरा स्थान है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को बाघों का स्वर्ग इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ बाघों की आबादी बहुत ज्यादा है। इसी वजह से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में इस अद्भुत बाघों तथा लुप्त प्रजाति के संरक्षण की उम्मीद को मजबूती से बरकरार रखा हुआ है। कॉर्बेट नेशनल पार्क 600 से अधिक एशियन हाथियों का भी स्थान है, जिनको पूरे दुनिया से विशाल जंगलों में देखा जा सकता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 600 से भी अधिक प्रजातियों की स्थानीय तथा विदेशी प्रवासी पक्षियों का भी घर है। प्राकृतिक पर्यावरण से संपन्न क्षेत्र सारे संसार की कुल पक्षी प्रजाति की 6% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि पूरे यूरोप की पक्षी विविधता से भी अधिक है। कॉर्बेट नेशनल पार्क में पाए जाने वाले 49 प्रजाति के शिकारी पक्षी इस पक्षी विविधता के प्रमुख तत्व है तथा सर्दियों में यह विविधता अपने शीर्ष पर होती है। ये पार्क राम गंगा नदी के किनारे स्थित है, जिस जगह पर भ्रमण हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ समय पहले ही डिस्कवरी चैनल के मैन वर्सेज वाइल्ड एडवेंचर के दौरान ब्रिटिश साहसकर्मी बेयर ग्रिल्स के साथ किया था। पीएम मोदी के इस करीब 8 किलोमीटर लंबे रूट को श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा तय की गई उनकी साहसिक यात्रा का एक अहम हिस्सा रहा। ये नेशनल पार्क प्रत्येक प्रकृति प्रेमी व पर्यटकों का स्वागत करता है। प्रकृति के अंतर सौंदर्य का आनंद लें और जीवन में इस सौंदर्य को उतार लें। आपकी प्राकृतिक खुशियों का जीवन साक्षी बनेगा हर बार जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। एक डॉक्यूमेंट्री भी आपको और दिखाना चाह रहे हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किस तरीके से पार्क पे काम करता है और क्या चैलेंजिंग होती है। एक मिनट।